हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, हज़रत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और ये बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर है 3176। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन ग़ज़वा तबूक से वापसी पर जब औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में आपके पास हाजिर हुआ तो आपने फरमाया था कि उअदुद सित्तम बैन यदै सा, कि औफ क़यामत के आने से पहले पहले छः बातें यानी छः निशानियाँ गिन रखना, यानी वो ज़रूर पूरी होंगी। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के अलावा जो जिस निशानी का दूसरे नंबर पर ज़िक्र किया गया, फरमाया थुम्म फतहु बैतिल मक़दस, कि उसके बाद एक निशानी ये भी गिन रखना कि बैतुल मक़दस फतह हो जाएगा। नाज़रीन किराम, ये उस वक्त का फरमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त बैतुल मक़दस सल्तनत रोमा के ईसाइयों के कब्ज़े में था और बज़ाहिर मुसलमानों के उसके ऊपर कब्ज़े या मुसलमानों की फतह की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई ये बात और आपकी की हुई ये पेशिनगोई, ये इस तरह से सच साबित हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानशीन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने तो उनके दौर में 16 हिजरी में या 637 ईस्वी में अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर मुसलमानों को फ़तह बैतुल मक़दस अता फ़रमाई, यानी बैतुल मक़दस फ़तह हो गया। लेकिन ये एक दफ़ा फ़तह नहीं हुआ, उस वक्त भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ के ईसाइयों के साथ मुआहदा किया था और यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया था। और बाद अज़ां जब सलीबी जंगें हुई हैं कमोबेश 500 साल बाद, उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक दफ़ा फिर फतह दी। सवाल ये पैदा होता है कि ये मुसलमानों से किस वक्त बैतुल मक़दस फिर वापस यहूदियों या ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया। ये वो मौका था कि जब सलीबी जंगें शुरू हुई और सलीबी जंगों के नतीजे में बैतुल मक़दस एक दफ़ा फिर ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया और यूं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 583 हिजरी में या 1178 ईस्वी में एक दफ़ा फिर इसका कब्ज़ा छुड़ाया और वो ईसाइयों के कब्ज़े से बैतुल मक़दस फिर मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। नाज़रीन किराम, यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई हुई ये क़यामत की निशानी अगरचे पूरी हो चुकी है, लेकिन आजकल अगर बैतुल मक़दस की सूरत हाल का जायज़ा लें तो इस वक्त वहाँ पर यहूदियों का कब्ज़ा है और ये यहूदियों का कब्ज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और फरमान के मुताबिक जो सही मुस्लिम के अंदर और सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है कि क़यामत के करीब एक दफ़ा फिर बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्ज़े में आएगा। लेकिन ये बात जहन में रहनी चाहिए फ़तह बैतुल मक़दस के हवाले से कि एक दफ़ा फिर क़ुर्ब क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों के कब्ज़े से बैतुल मक़दस को छुड़वाया जाएगा और उसकी सूरत हाल ये होगी कि यहूदी किसी दरख्त के पीछे भी छुपेगा तो वो दरख्त मुसलमान को बता देगा कि या मुस्लिम इधर देखो ए मुसलमान, ये मेरे पीछे जो है वो हादल यहूदी वराई फ़क्तुल हो, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, तुम इसको कत्ल कर दो। यूँ अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर क़ुर्ब क़यामत यहूद के कब्ज़े से बैतुल मक़दस को छुड़ाएगा और मुसलमानों को एक दफ़ा फिर फतह नसीब होगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। पैगाम टीवी।